आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सुपर टेस्टी चीजी पास्ता की रेसिपी। खाने में जितनी टेस्टी है, बनाना इसे उतना ही आसान है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस पास्ता की रेसिपी को जरूर से ट्राई कर सकते हैं। ये आपके फैमिली फ्रेंड सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए आज की मजेदार और सिंपल रेसिपी हम शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए गैस पे यहाँ पे हमने 1 लीटर पानी रखी है, 1/2 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून हमने इसमें तेल ऐड किया है। साथ में यहाँ पे हमने 2 कप पास्ता इसमें ऐड किया है। एक बार हम इसे चला लेंगे और इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं पास्ता में उबाल आ चुकी है। वापस से हम इसे एक बार चला लेंगे और ये आप देख सकते हैं पास्ता जो है ना अच्छे से बॉइल्ड हो चुकी है। अब मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये बॉइल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने एक बर्तन में छन्नी लगाई है। सारे पास्ता को हम इसमें डाल देंगे और इसका सारा पानी निकाल लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ठंडा पानी डाल देंगे ताकि पास्ता जो एक दूसरे में चिपके ना। अब हम इसे साइड करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। गैस पे यहाँ पे हमने एक पैन में छोटी सी क्यूब बटर की और 2 टेबल स्पून हमने तेल ऐड किया है। 5 से 6 बारीक कटी हुई लहसुन, 1 इंच ग्रेट किए हुए अदरक, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। कुछ सेकंड के लिए चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 मीडियम साइज में बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड किया है। चलाते हुए इसे भी हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। साथ में यहाँ पे हमने एक बड़े साइज में बड़े टुकड़ों में शिमला मिर्च को काट करके ले लिया है। सब्जियां आप अपनी पसंद की ले सकते हैं। इसे भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। साथ में 1/2 टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसे कवर करते हुए हम 2 से 3 मिनट रहने देंगे ताकि शिमला मिर्च ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और ये लीजिए 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन हटाया। ये आप देख सकते हैं शिमला मिर्च ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून टमाटो केचप और 2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने पास्ता मसाला इसमें ऐड किया है। सारी चीजों को ना शिमला मिर्च में डालते हुए इसे हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे और बॉईल किए हुए पास्ता हम इसमें ऐड कर देंगे। और सारी चीजों के साथ ना पास्ता को अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट हम इसे चला लेंगे। और ये देखिए हमने सारी चीजों के साथ अच्छे से पास्ता को मिक्स कर दिया है। साथ में यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स इसमें ऐड किया है। हो तो आप जरूर से डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है बच्चों की फेवरेट चीज। यहाँ पे मैं मोजरेला चीज का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे ना ढक करके 1 से 2 मिनट रहने देंगे। और ये देखिए 2 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन हटाया। ये आप देख सकते हैं चीज जो है ना अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। पास्ता के साथ अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और ये आप देख सकते हैं पास्ता कितनी चीजी बनके तैयार हुई है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए सुपर टेस्टी पास्ता बनके बिल्कुल तैयार है। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस सुपर टेस्टी सिंपल सी रेसिपी को जरूर से बना करके ट्राई करें। ये आप देख सकते हैं ये कितनी चीजी बनके तैयार हुई है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बनाना इसे बहुत ही आसान है। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगी। मैं तो कहूँगी बच्चों को क्या, बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद आएगी। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस पास्ता की रेसिपी को जरूर से ट्राई करें। इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपके घर वाले खुश हो जाएंगे।
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे आप जरूर से क्लिक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रेसिपी को शेयर करें और कमेंट्स में आप जरूर से लिखें कि आपको हमारी आज की पास्ता की रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।